नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब देखो, बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वो हमने पढ़ लिया था एसेक्सुअल टाइप का, जिसको हमने दो भागों में भी डिवाइड कर दिया था। वो आपको बता दिया था कि कौन सा आपको वेजिटेटिव में लिख सकते हो आप, कौन सा एसेक्सुअल में लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो पॉइंट डाल लेते हैं यहाँ पर हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। या हमें पता है इसको हम सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन ही होता है, न कि रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन ही होता है, न कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि बैक्टीरिया के पास में कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है ना। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के पास में कोई किसी प्रकार का सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है। ये हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया के पास में क्या नहीं होता है, सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। तो जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया डू नॉट हैव सेक्स ऑर्गन, डू नॉट हैव सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। बैक्टीरिया के पास कोई किसी प्रकार का सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। जब सेक्स ऑर्गन ही नहीं होता है, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इनके पास में ट्रू जो सेक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो एब्सेंट होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है यहाँ पर, एब्सेंट होता है, वो नहीं होता है। केवल यहाँ पर क्या होता है, ओनली सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बजाय यहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, सेक्सुअल री का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि एक सेल होती है, ठीक है, जिसको आप एग सेल बोलते हो। एक सेल होती है जिसको आप स्पर्म बोलते हो। ये दोनों सेल आपस में फ्यूज होती है और एक जायगोट, यानी कि टू एन टाइप की सेल बनाती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर एक सिंगल सेल बनती ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सीधी डायरेक्ट दो सेल बनती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर दो पार्टिसिपेंट भाग लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक एग जो है, ये कहाँ से आया है, मेल फीमेल से आया है। स्पर्म कहाँ से आया है, मेल से आया है। तो दो सेक्सुअल पार्टनर जो है वो भाग लेते हैं और एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सिंगल सेल जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये बैक्टीरिया में नहीं बनती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। जबकि और दूसरी बात, यहाँ पर दो पार्टिसिपेंट भी भाग नहीं लेते। यहाँ पर तो एक सिंगल होता है, सिंगल सेल है, उस सेल से ही सब कुछ, कहानी सारी की सारी वहाँ से ही होगी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ और है, जैसे कि कैरियोगेमी होती है, मियोसिस होता है, ये सब एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर मेन बेसिकली हम बात करें, मुख्य बात तो यही है कि कैरियोगेमी जो है, कैरियोगेमी और मियोसिस, और दूसरा क्या है, मियोसिस, दूसरी चीज क्या होती है, मियोसिस, मियोसिस, ये मियोसिस भी यहाँ पर क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया के अंदर अर्धसूत्र विभाजन नहीं होता है, कैरियोगेमी नहीं होती है, दो केंद्रक जो होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं, वो यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या आप कह सकते हो कि सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन जो होता है, वो किस प्रकार से होता है, तो इसके जो टाइप है उनके बारे में हम बात करते हैं। टाइप, ठीक है, कितने प्रकार का हो सकता है। तो ये हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, वो है तीन प्रकार का। एक सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे नंबर एक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है अपने पास में, इसी के अंदर यहाँ लिख देते हैं अपन, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। और तीसरा प्रकार है हमारे पास में, वो है ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। तो ये तीन प्रकार का सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, या आप कह सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम पॉइंट डाल लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन,
ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं रूपांतरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपांतरण। ठीक है, तो आपने एक एक्सपेरिमेंट का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट बोलते हैं? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो कि चूहों के ऊपर किया था इसने। ये एक्सपेरिमेंट ही हमें बताता है कि जो डीएनए होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है। जब वो रिकम्बाइन होता है तो वो परिवर्तित हो जाता है, रिकम्बाइन होकर वो अपने आप में बदलाव ला देता है। ठीक है, चेंज ये जा जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने वाले हैं। कुछ बातें यहाँ पर जान लेते हैं हम उससे पहले ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहले ये बात करें कि यहाँ पर इसने दो स्ट्रेन ली थी। कितनी स्ट्रेन ली थी? टू स्ट्रेन ली थी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाएगा वो भी बता ही देंगे आपको। दो स्ट्रेन ली थी किसकी? डिप्लोकोकस न्यूमोनिया की, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया की, न्यूमोनिया की। ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की इसने दो अलग अलग स्ट्रेन ली थी। ठीक है, एक स्ट्रेन जिसको हम बोलते हो यहाँ पर एस थर्ड स्ट्रेन, ठीक है, और एक थी आर सेकंड स्ट्रेन। ये दो स्ट्रेन इसने ली थी। जो एस थर्ड स्ट्रेन थी, इस स्ट्रेन को हम बोलते हैं कैप्सुलेटेड, जो एस थर्ड थी इसको हम वैसे बोल देते हैं स्मूथ। ठीक है, या इसके ऊपर क्या होता है, कैप्सूल होता है, कैप्सूल, इसलिए इसको बोलते हैं कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड स्ट्रेन। स्मूथ थी, ये चिकनी थी, इसलिए इसके ऊपर क्या था, कैप्सूल था। और ये स्मूथ कॉलोनी बनाती थी, ठीक है ना। इसकी जो कॉलोनी थी, कॉलोनी वो भी कैसी थी, स्मूथ थी, स्मूथ कॉलोनी थी। ठीक है, और ये पैथोजेनिक है। ये कैसी है? पैथोजेनिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैप्सूल है तो पैथोजेनिक होगी, सही, ऐसा हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, और पैथोजेनिक होने के साथ साथ ये क्या है, वायरुलेंट भी है। वायरुलेंट, वायरुलेंट मतलब रोगकारक है। ठीक है, तो ये दूसरी स्ट्रेन है आर सेकेंड। आर सेकेंड की बात करें तो ये जो है नॉन कैप्सुलेटेड, एक तो स्मूथ की जगह तो लिख दो रफ, ऐसी है रफ, कैप्सुलेटेड की जगह लिख दो इसको नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड मतलब इसमें कैप्सूल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो कॉलोनी भी कैसी बनती है इसकी? रफ बनती है। इसकी कॉलोनी कैसी बनती है? रफ कॉलोनी। कहाँ बनती है? आर्टिफिशियल मीडिया पर। जब आप इसको पेट्री प्लेट के अंदर ग्रो करवाओगे तो इसकी कॉलोनी जो दिखेगी हमें वो रफ कॉलोनी दिखेगी, जबकि इसको आर्टिफिशियल मीडिया पर ग्रो करवाओगे तो इसकी कॉलोनी बिल्कुल स्मूथ सी कॉलोनी हमें दिखाई देगी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कॉलोनी कैसी होगी इसकी? रफ कॉलोनी होगी। ठीक है, ये पैथोजेनिक है तो ये नॉन पैथोजेनिक है। ठीक है ना, ये कैसी है? नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन है। ठीक है, और ये वायरुलेंट है तो ये ए वायरुलेंट है, इसको बोल देंगे ए वायरुलेंट। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ ने सबसे पहले क्या किया, नंबर एक स्टेज में, इसके अलग अलग स्टेज है, तो इसने क्या किया कि आर सेकंड को लिया, सबसे पहले आर सेकंड को लिया और इसको माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, चूहा, चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर? माइस के अंदर, माइस के अंदर। ठीक है, तो चूहा क्या रहा? चूहा रहा यहाँ पर लाइव, मतलब चूहा नहीं मरा, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आर सेकंड को लिया फर्स्ट स्टेप में, तो चूहे के अंदर इंजेक्ट किया तो चूहा नहीं मरा, जीवित रहा, मतलब उसको कोई रोग नहीं हुआ, डिजीज फ्री रहा, मतलब ये रोग कारक नहीं है। क्योंकि हमें पता है इसी का तो पता, इसी से तो पता लगेगा कि ये रोग पैदा कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है, अब इसने क्या किया दूसरी स्टेप के अंदर, अब इसको सेकंड भी बदल सकते हो, स्टेप में कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी स्टेप ली इसने, सेकंड स्टेप, उसमें इसने लिया एस थर्ड को। किसको लिया भाई? एस थर्ड को ले लिया। ठीक है, एस थर्ड को इसने इंजेक्ट किया, इंजेक्ट किया किसके अंदर? माइस के अंदर। तो क्या हुआ? चूहा क्या होगा? डेड हो जाएगा, मरेगा कि नहीं मरेगा, क्योंकि ये तो रोग कारक है तो मरेगा। ठीक है, इसने दोबारा क्या किया? एस थर्ड को गर्म किया। ठीक है, एस थर्ड को कर दिया हीट किल, हीट किल, गर्म करके इन एस थर्ड को मार दिया। ठीक है, हीट किल करने के बाद में फिर से इसको किया इंजेक्ट,
इसके अंदर, माइस के अंदर, चूहे के अंदर क्या? तो चूहा मरेगा या जीवित रहेगा बताओ? तो चूहा क्या होगा? जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रोग कारक बैक्टीरिया है ये तो मर गया, तो मर गया तो चूहा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। ठीक है, अब इसको दिमाग में आया कि यार जब ये मर गया तो कोई बात नहीं है, ठीक है, अगर हम इस थर्ड को डालते तो मर जाता है चूहा, इस थर्ड को हीट किल करके मतलब बैक्टीरिया को नष्ट करके दोबारा डाला तो चूहा क्या हुआ? जीवित रहा, यानी कि चूहा नहीं मरा, बहुत अच्छी बात है। क्या किया जाए कि दोनों को मिक्स कर दिया जाए, आर सेकंड को और एस थर्ड को क्या कर दिया जाए? मिक्स कर दिया जाए, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए। इसने वैसा ही किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसने आर सेकंड और एस थर्ड इन दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। आर सेकंड और एस थर्ड को क्या कर दिया? मिक्स करके इंजेक्ट किया। अब दोनों आर थर्ड भी रोग कारक नहीं है ना? नहीं है। और एस थर्ड जो हीट किल है, ये एस थर्ड कैसी है? हीट किल, ध्यान रखना, ये एस थर्ड क्या है? हीट किल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये भी रोग कारक नहीं है क्योंकि इसने रोग नहीं फैलाया, आर सेकंड ने भी रोग नहीं फैलाया। यहाँ दो चीजों पर ध्यान देना है हमें, यहाँ पर भी लाइव रहा है और यहाँ पर भी लाइव रहा है। अब इसने क्या किया, इन दोनों सॉरी दोनों ही स्ट्रेन को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। मिक्स करके जब उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो चूहा मर गया, चूहा क्या हुआ? डेड हो गया। इसका दिमाग ठनक गया भैया, क्या हो गया, ये कैसे हो गया? ये तो दोनों मरे हुए हैं, मतलब ना तो आर सेकंड रोग पैदा कर सकता है ना एस थर्ड रोग पैदा कर सकता है। ठीक है, तब इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मरा क्यों चूहा, चूहा मरने का कारण क्या है? ठीक है, तो चूहा मरने के कारण का पता लगाने के लिए इसने क्या किया, ऑटोप्सी कर दी चूहे की। ठीक है, क्या किया इसने? परफॉर्म ऑटोप्सी, ऑटोप्सी समझते हो ना, पोस्टमार्टम कर दिया उसका, किसका? चूहे का। चूहे का पोस्टमार्टम किया, किसका? डेड जो चूहा था, डेड बॉडी का इसने पोस्टमार्टम कर दिया, ऑटोप्सी कर दी। और इसने देखा कि यहां से इस डेड बॉडी से इसने आइसोलेट किया किसको? लिविंग बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया यहां पर जीवित था उस लिविंग बैक्टीरिया को इसने क्या किया? आइसोलेट किया, और आइसोलेट करके इसको अगार मीडियम के ऊपर ग्रो करवाया। अगार मीडियम पर ग्रो करवाया तो इसने देखा कि यहां पर जो कॉलोनी है वो कॉलोनी कैसी है? स्मूथ है, यानी कि जो आर सेकंड बैक्टीरिया था वो एस थर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसकी वजह से? उस एस थर्ड के हीट किल्ड डीएनए की वजह से। ठीक है, तो इसने क्या कहा? इसने कहा कि किसी न किसी कारण से, समहाउ किसी न किसी कारण से जो आर सेकंड टाइप है, आर सेकंड टाइप है जो है, आर सेकंड टाइप का जो बैक्टीरिया है, आर सेकंड टाइप जो बैक्टीरिया है वो हो गया ट्रांसफॉर्म्ड। क्या बदल गया? ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, इसका रूपांतरण हो गया, ये बदल गया है। किसमें? एस थर्ड के अंदर, एस थर्ड टाइप के बैक्टीरिया में ये कन्वर्ट हो गया है। समझ में आ गई बात? तो ये एक्सपेरिमेंट था हमारा, किसका? ट्रांसफॉर्मेशन का। क्लियर? तो पहला रिप्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रकार। अब ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया, जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, कैसे हुआ इसको हम समझते हैं अलग से। ठीक है, माइंडली समझने के लिए अपन अब बात कर रहे हैं। देखो जी, इसको मान लेते हैं हम एस थर्ड बैक्टीरिया, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम आर थर्ड, आर सेकंड सॉरी, ये आर सेकंड बैक्टीरिया है। ठीक है, दोनों को क्या किया? मिक्स कर दिया। अब ये तो मरा हुआ है हीट किले, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो ये हीट किले तो यहाँ इसके लिए क्या करेगी? जो बैक्टीरियल सेल होती है ना, बैक्टीरिया की सेल, वो इसकी जो सेल वाल है उसको डैमेज कर देगी, उसको मार देगी। इसमें से जो डीएनए है वो बाहर की तरफ में आ जाएगा, इस तरह बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद में, क्योंकि ये तो जीवित है ना, ये वाली कोशिका तो जीवित है, तो ये तो मरेगी नहीं इससे, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से नहीं मरेगी क्योंकि तो अपने आप को बचा के रखेगी ना। तो ये जो डीएनए बाहर आया है, ये डीएनए क्या होगा? इस एस थर्ड के सेल के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस एस थर्ड के अंदर इंजेक्ट हो गया। इंजेक्ट होने के बाद में ये इस एस थर्ड जो डीएनए था, सॉरी एस थर्ड डीएनए जो है इंजेक्ट हो गया किसके अंदर? आर सेकंड के अंदर। आर सेकंड के अंदर इंजेक्ट होने के बाद में ये इसके साथ में जाकर यहाँ पर जुड़ गया, इंटीग्रेटेड हो गया। इंटीग्रेटेड हो गया तो अब ये डीएनए वापस से एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद में इसने अपना प्रभाव दर्शाना शुरू किया और कॉलोनी बना दी। कैसी? स्मूथ कॉलोनी, मतलब कन्वर्ट किसमें कर दिया? इस
एस आर सेकेंड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसने एस थर्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इसने रोग पैदा किया और चूहा उस समय के बाद ही मर गया, ये रीजन रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डीएनए का रिकॉम्बिनेशन, रिकम्बाइन हो गया डीएनए। यहाँ पर ये कौन सा डीएनए हो गया, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन सा डीएनए हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ पर डीएनए हो गया रिकम्बाइन, तो रिकम्बाइन होने की वजह से इसको क्या कहेंगे हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। और हमने बात क्या की थी शुरू में, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक तरीके सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन हो गया, ये डीएनए इसके अंदर घुस गया, तो ये घुसकर यहाँ पर जुड़ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। समझ में आ गई बात, ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। एक्सपेरिमेंट आपको इस तरीके से डिजाइन कर देना है अपना, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं नंबर टू, सेकंड टाइप का जो हमारा सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो है हमारा कॉन्जुगेशन। कौन सा है भाई, कॉन्जुगेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन जो है ये सबसे पहले दिया था लेडरबर्ग ने, इसने दिया था लेडरबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं भैया। कितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है और एक बैक्टीरिया और है, ये वाला बैक्टीरिया मान लेते हैं अपन तरीके से, ठीक है। ये दो तरह के बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो होता है, इस बैक्टीरिया के पास इसका खुद का डीएनए होगा, इसके पास भी खुद का डीएनए होगा, लेकिन इस बैक्टीरिया के पास में एक स्पेसिफिक डीएनए होगा जिसे बोलेंगे हम प्लाज्मिड। इसे क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मिड, ठीक है। और ये जो प्लाज्मिड होगा ना, ये प्लाज्मिड ही इधर ट्रांसफर होगा, इसे हम इसलिए बोलते हैं एफ प्लाज्मिड या फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास एफ प्लाज्मिड होता है, हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर के अंदर, इसके ऊपर एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे बोला जाता है पिलाई। वो पिलाई क्या करती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती है। उस कॉन्जुगेशन ट्यूब की वजह से ये दोनों बैक्टीरिया जो है वो पास पास आ जाते हैं, दोनों समान स्पीसीज के होते हैं, ये ध्यान रखना। हम तो यहाँ कलर बना, कलर अलग अलग कलर से इसको डिफाइन कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन सा बैक्टीरिया हमारा प्लाज्मिड वाला है, कौन सा बैक्टीरिया नहीं है, ये समझने के लिए हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो है आपका, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, यहाँ पर ये ऐसे कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देगा, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाएगी, ठीक है। ये जो बनेगी ये क्या होगी आपकी, कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। और ये जो प्लाज्मिड होगा, ये प्लाज्मिड यहाँ पर रेप्लिकेशन करेगा और रेप्लिकेशन करके इसके अंदर ट्रांसफर होने की कोशिश करेगा। जब इसके अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा, जब ये इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये जो आपका ऑलरेडी जो प्लाज्मिड था वो प्लाज्मिड इसके अंदर भी रहेगा और इसके अंदर भी चला जाएगा, तो ये भी एफ पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाएगा और ये कहलाएगा आपका एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। ये आपका एफ पॉजिटिव है और ये एफ नेगेटिव है, ये एफ पॉजिटिव है और ये भी बदल गया किसके अंदर, एफ पॉजिटिव के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से ट्रांसफर होगा और ये नया बैक्टीरिया तैयार हो जाएगा, फिर ये आगे इसी तरह से ट्रांसफर करता रहेगा अपने डीएनए को। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, चलो हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। टू टाइप के क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, या टू टाइप की क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। एक सेल जो होती है, वन सेल, उसे हम बोलते हैं डोनर, क्योंकि जो देने वाला है वो क्या है, दाता, डोनर, या फिर इसको हम बोलते हैं मेल, या फिर इसको हम बोलते हैं एफ पॉजिटिव सेल, ठीक है। एफ पॉजिटिव जो है वो होता है यहाँ पर फर्टिलिटी फैक्टर, क्या होता है जी, फर्टिलिटी फैक्टर होता है, ठीक है। दूसरी सेल होती है सेकंड सेल, सेकंड सेल वो होती है रिसिपियंट, उसको क्या बोलते हैं हम, रिसिपियंट। सेकंड सेल को क्या बोलेंगे, रिसिपियंट सेल बोलेंगे। अब ये जो रिसिपिएंट सेल होती है, इसको आप फीमेल भी बोल सकते हो, फीमेल। अब चूंकि इसके पास में एफ फैक्टर नहीं होता, इसलिए हम इसको एफ नेगेटिव सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ नेगेटिव, ठीक है ना, एफ नेगेटिव सेल भी बोल सकते हैं। अब ये एफ नेगेटिव सेल होती है, ये जो डोनर होता है, इसके पास ये फर्टिलिटी फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
यहाँ पर ये एक हेयर नुमा संरचना होती है जिसे बोल रहे कॉन्जुगेशन ट्यूब। इन दोनों की वजह से ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, डोनर और रिसिपिएंट आपस में अटैच हो जाते हैं इस ट्यूब की वजह से। अब ये जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है किसका, इस डोनर का, जो डोनर का एफ पॉजिटिव फैक्टर होता है ये रेप्लिकेशन करता है, और रेप्लिकेशन करने के बाद, क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन करने के बाद में ये जो एफ पॉजिटिव सेल होती है, ये एफ पॉजिटिव सेल कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती है, ठीक है। और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब अटैच होती है, अटैच एफ नेगेटिव बैक्टीरिया से, किसी बैक्टीरिया से, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया से, एफ नेगेटिव जो सेल होगी उससे अटैच हो जाएगी, ठीक है। एफ फैक्टर जो है वो पास हो जाएगा, अब यहाँ से कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई, इस कॉन्जुगेशन से एफ पॉजिटिव फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, फैक्टर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, गुजर जाएगा, ठीक है, पास पास हो गया, और कहाँ चला जाएगा, रिसिपिएंट सेल के अंदर। रिसिपिएंट जो सेल है, जो ग्राही कोशिका है जिसे आप फीमेल बोल रहे हैं, उसके पास चलाएगा, चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो रिसिपिएंट होगी, अब ये भी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, ये भी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, डोनर सेल के अंदर, ठीक है ना। एफ पॉजिटिव आ गया ना, एफ नेगेटिव सेल किसमें बदल गए, एफ पॉजिटिव सेल में बदल गए। तो यहां पर जो ये एफ पॉजिटिव है, जो एफ पॉजिटिव है आपका एफ पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है, ये एफ पॉजिटिव फैक्टर एक प्रकार का क्या है, सेक्स फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है भैया, सेक्स फैक्टर, ठीक है। और इसी की वजह से सारा काम हो रहा है, क्योंकि जब ये एक्स फैक्टर यानी कि आपका जो सेक्स फैक्टर है एफ फैक्टर, ये रेप्लिकेशन करेगा तो ही कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी तो ये दूसरे एफ नेगेटिव के साथ में, ये डोनर होगा उसके साथ में क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डीएनए का क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया है और सेल बदल गई है, सेल का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो कन्वर्ट हो गई एफ एफ नेगेटिव से एफ पॉजिटिव सेल के अंदर। आगे फिर से ये इसी तरह से काम कर रही है, ठीक है। अब देखो, अगर एफ पॉजिटिव फैक्टर, अभी हमने कहा कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल है, और बैक्टीरिया की सेल के पास में ये डीएनए है, इसके पास में आपका ये प्लाज्मिड आ गया, ठीक है, और ये सेल बन गई आपकी कौन सी, एफ पॉजिटिव सेल, कौन सी सेल बन गई, ये एफ पॉजिटिव सेल बन गई, ठीक है ना, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गई। अब अगर ध्यान रखने वाली बात, अगर ये एफ प्लाज्मिड वाला जो डीएनए है ये इस डीएनए के साथ में जुड़ जाए, कैसे जुड़ेगा जी, ये ऐसे जुड़ेगा, देखो ये एफ पॉजिटिव सेल हो गई आपकी, और इसके अंदर ये डीएनए हो गया, और ये जो डीएनए है, जो दूसरा डीएनए है वो इस तरह से जुड़ जाए, तो इस डीएनए को हम बोलते हैं एपिसोम, क्या बोलते हैं, एपिसोम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एपिसोम। समझ में आ गया आपको, एफ फैक्टर बैक्टीरिया के अंदर जो कि एक इन्फेक्शियस पार्ट है, और अगर ये यहाँ पर जुड़ जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, एपिसोम कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको हम, एपिसोम। इसका नाम क्या हो जाएगा जी, एपिसोम हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल सिंपल है ना, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम एपिसोम। अब ये जो है डीएनए, या तो ये फ्री होता है या फिर ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ में कंबाइन होता है। तो यहाँ पर जो एफ फैक्टर होता है ना, इसके दो आपके, ये कह सकते हो आपके दो फैट होते हैं इसके, ठीक है, दो फैट क्या होते हैं, एक तो ये टू फॉर्म, मतलब ये एफ फैक्टर जो है टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टू फॉर्म में मिलता है, एक या तो ये फ्रीली होता है, फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री होता है, या फिर ये दूसरा कंबाइन हो जाता है, कंबाइन विद बैक्टीरियल क्रोमोजोम, कंबाइन विद बैक्टीरियल बैक्टीरियल क्रोमोजोम, ठीक है। देखो, या तो ये फ्री होता है इस तरीके से, या फिर ये कंबाइन हो जाता है इस तरीके, दोनों ही तरीके हैं इसके साथ।
अब ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इस तरह जुड़ जाता है, ए पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है। तो इस डीएनए को तो कहते हैं हम एपिसोम, लेकिन ये जो स्ट्रेन होती है ना, इसको बोलते हैं एचएफआर, हाई फ्रीक्वेंसी रेट। एचएफआर का मतलब क्या हो गया? एचएफआर का मतलब हो गया हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी रेट, ठीक है। और ये क्योंकि इसके पास में ये प्लाज्मिड है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेल या डोनर, डोनर सेल, ठीक है, या ए पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रेट मेल डोनर, यानी कि एचएफआर बोल सकते हैं हम, एचएफआर, ठीक है, एचएफआर हो गया है। इसको यहाँ लिख लो, ये डोनर भी हो सकती है और इसको आप मेल भी बोल सकते हो, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, एचएफआर डोनर या एचएफआर मेल, ठीक है। अब ये एक नया फॉर्म होता है, ठीक है, डोनर सेल का एक नया फॉर्म होता है जो हाईली रिकम्बिनेशन को प्रिफर करता है। अब यही सेल जो एच एफ आर पॉजिटिव सेल है, मतलब एच एफ आर सेल है, अगर ये किसी एफ नेगेटिव सेल के साथ में कंबाइन करती है तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एज ए स्टार लगाकर एक कहानी लिखते हैं, एच एफ आर सेल है, एच एफ आर डोनर सेल है, और ये कॉन्जुगेशन करती है, कॉन्जुगेट करती है इसके साथ में विद एफ नेगेटिव रिसिपियंट सेल के साथ में, तो क्या होता है, ठीक है। अब देखो, जब एच एफ आर डोनर सेल है हमारे पास में, ये एच एफ आर डोनर सेल सेम उसी तरीके से बना देंगे अपन, ये एच एफ आर डोनर सेल है, ठीक है, थोड़ा इधर बना देते हैं, लिख देंगे बाद में नीचे की साइड में लिख देंगे, और कुछ लिखना होगा तो वैसे इसी के साथ में हम लिखने की कोशिश करेंगे सारा, ठीक है, स्ट्रोक से ले लेते हैं इसको, ठीक। देखो ये हमारी सेल है, एक सेल, और एक हम दूसरी सेल बना लेते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारा डीएनए है, और इसके पास में यहाँ पर ये दूसरा डीएनए है, इसको हमने बोला है क्या, एच एफ आर डोनर सेल, ठीक है, ये एच एफ आर सेल है हमारी। अब ये एफ नेगेटिव, क्योंकि इसके पास तो यही डीएनए है, तो ये हो गई आपकी एफ नेगेटिव सेल, ठीक है। इस दोनों आपस में अगर जुड़े, जैसे रिसिपिएंट सेल है, ध्यान से देखो, ये एफ नेगेटिव है और ये एच एफ आर है, तो जब एच एफ आर डोनर इस एफ नेगेटिव सेल के साथ में क्या करे, कॉन्जुगेशन करे, मतलब यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। पहले इनको अलग अलग ही बना लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना होगी हमें, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब के साथ में सेल को, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब हमने बना दी यहाँ पर, और ये इस तरह से आपको बना देना है एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। तो ये जो एच एफ आर है, ये एच एफ आर और रिसिपिएंट सेल, ठीक है। अब देखो, अगर ये जो सेल है, अगर ये कौन, ये जो एफ फैक्टर है, क्योंकि एफ फैक्टर किसके पास है, इसी के पास है, इसी के पास क्या है, एफ फैक्टर है, एफ फैक्टर, सॉरी एफ क्या है इसके पास में, फैक्टर, एफ फैक्टर, अगर ये एफ फैक्टर इस सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं होता है, तो ये सेल कभी भी एफ पॉजिटिव में नहीं बन लेगी, ठीक है। अब एफ फैक्टर इसके साथ यहाँ पर अटैच है, और ये रिसिपिएंट सेल में जाता है, कैसे जाता है, देखो यहाँ पर ये ले लिया हमने इस तरह से डीएनए को, और ये डीएनए आपका यहाँ पर जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होता है, इस वाले सेगमेंट का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। जब क्रोमोसोम जो होता है डीएनए का, जो कि जिसके पास में क्या है, एफ फैक्टर है, ठीक है, ये इस एफ नेगेटिव सेल के अंदर ट्रांसफर होगा जब इसका रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो डीएनए होता है उसका भी कुछ भाग अपने साथ में लेके चला जाता है। यहां पर ये डीएनए है, ये यहां पर हम कर देते हैं इसका रेप्लिकेशन, ये मान लेते हैं हम रेप्लिकेशन कर दिया हमने, और ये कुछ भाग इसका भी ले लिया इसने, ठीक है। देखो क्या होगा, ये आपका एच एफ आर सेल है, ये एच एफ आर सेल है, इसका क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, रेप्लिकेशन होने के बाद में इसको इसमें ट्रांसफर किया जाएगा, तो यहाँ पर एक और चित्र बनाना पड़ेगा जब जाके समझ में आई कहानी क्या कहना चाह रहे हैं अपन। ये लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये
हमारा हो गया रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन होने के बाद में ये हो गया इसके अंदर ट्रांसफर, ठीक है, ये इसके अंदर ट्रांसफर हो गया, लेकिन किसके साथ में ट्रांसफर हुआ है, कुछ सेगमेंट बैक इसका भी ले गया है साथ में, ठीक है। तो अब जहां पर ये एफ फैक्टर लगा हुआ था, ठीक है, तो ये उस एफ फैक्टर के जैसा ही यहां से कुछ भाग जो है अपने साथ लेके चला जाता है, तोड़कर चला जाता है, ठीक है। एफ फैक्टर ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है कि जो एफ फैक्टर होता है ना, ये एफ फैक्टर थोड़ा दूरस्थ जगह पर लगा होता है। दूरस्थ जगह पर मतलब रेप्लिकेशन जब होता है तो ज्यादातर रेप्लिकेशन जो है ना इस भाग का हो जाता है, इस भाग का नहीं हो पाता, मतलब ये वाला पार्ट जो है रेप्लिकेट नहीं हो पाता। कौन सा वाला, ये जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये पार्ट रेप्लिकेट नहीं होता, ये वाला पार्ट रेप्लिकेट होता है ज्यादातर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो रेप्लिकेशन होने वाला जो पार्ट है ना, रेप्लिकेशन यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है वो क्या हो जाता है आपका, रेप्लिकेट हो जाता है। ये इस तरह से दिख रहा है आपको, मेरा पेन चल रहा है कहीं दिख नहीं रहा हो, आपको दिख जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखो यहाँ पर है ना, इस तरीके से मैं व्हाइट कलर का कर लेता हूँ इसको, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है अभी। ये यहाँ से यहाँ तक का ही रेप्लिकेशन होता है, आगे का रेप्लिकेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये इसमें चला जाएगा एफ नेगेटिव में, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर ये चला तो गया, हम अलग अलग कंडीशन की बात कर रहे हैं, अभी कंप्लीट कंडीशन की बात नहीं कर रहे। एक कंडीशन हमने ये कहा कि ये नहीं भी जाए, नहीं जाएगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन के नहीं गया तो कोई बात नहीं। अब इसी तरह से ये कंडीशन हो गई कि ये नहीं जाए, यहाँ से केवल ये वाला पोर्शन ही इसके अंदर ट्रांसफर हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो पहले हम यही कर लेते हैं, यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन हुआ वो किसका हुआ, इस वाले का, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये ट्रांसफर हो गया, डिस्टल एंड पर रह गया। अब डिस्टल एंड पर रह गया तो बीच में क्या हो गया, ट्यूब जो है वो ब्रेक हो गई, ठीक है, तो ये कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ इसके अंदर, रिसिपिएंट सेल के अंदर। ये देखो रिसिपिएंट सेल के अंदर ये क्या नहीं होगा, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इस तरह की कंडीशन हो गई। और यहाँ से ये बैक्टीरियल ट्यूब जो है वो आपकी क्या हो गई, नष्ट हो गई। नष्ट हो गई तो ये कुछ कुछ ही पोर्शन जो है इसका यहाँ पर ट्रांसफर हुआ रिसिपिएंट सेल में, ठीक है। तो ये जो सेल है ये कहलाएगी आपकी हाइब्रिड सेल, कौन सेल कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी हाइब्रिड सेल। हाइब्रिड सेल इसलिए कहलाएगी क्योंकि इसके अंदर दो तरह के समान प्रकार के डीएनए आ गए हैं, दो अलग अलग कोशिकाओं के समान प्रकार के डीएनए आ गए, तो ये हाइब्रिड सेल जो है एक प्रकार से क्या हो गई आपकी, डिप्लोइड सेल हो गई, ये सेल हो गई डिप्लोइड, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर ये सब सेल कौन सी अपनी, ये एफ पॉजिटिव है, मतलब कि ये एच एफ आर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसको भी आप एफ पॉजिटिव या एच एफ आर पॉजिटिव लिख सकते हो, ठीक है। अब ये अभी भी ये वही रहेगी, तो क्योंकि इसके पास तो ये है सी रेड कलर वाला डीएनए, जो एफ पॉजिटिव डीएनए वो यहाँ पर है, लेकिन इसके पास नहीं है, तो ये तो एफ नेगेटिव थी, एफ नेगेटिव ही रहेगी क्योंकि इसके पास एफ फैक्टर नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एच एफ आर है ये डोनर का काम करेगी, ठीक है। ट्रांसफर से पहले ही कॉन्जुगेशन ट्यूब अगर नष्ट हो गई तो क्या होगा कि ये जो क्रोमोजोम इसके अंदर गया है, फ्रेगमेंट क्रोमोजोम का, इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको कर दिया जाएगा डिग्रेड, तो नष्ट कर दिया जाएगा और बैक्टीरिया अपने आप को बचा लेगा इससे, ठीक है। तो ये इस बैक्टीरिया को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, और नष्ट करने के बाद में ये वापस से अपना सिंगल स्ट्रैंड, मतलब जो भी इसके पास जो क्रोमोजोम था वो यहाँ पर बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्जुगेशन वाला दूसरा पोर्शन, जब एच एफ आर हो पॉजिटिव और आपका क्या हो, एफ नेगेटिव हो, ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन हमारी क्या बनती है कि ये एच एफ आर पॉजिटिव सेल के अंदर, जो एच एफ आर पॉजिटिव सेल है ये इस ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है इसका, इसको ट्रांसफर करे, ठीक है। तब कंडीशन क्या होती है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है सेक्स डक्शन, क्या कहा जाता है, सेक्स डक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो अब सेक्स डक्शन की हम बात करते हैं, ये बात समझ में आ गई ना, ये बातें याद रखनी है आपको कि ये कंडीशन बन सकती है एच एफ आर डोनर कॉन्जुगेट जब एफ नेगेटिव के साथ रिसिपिएंट के साथ में वो काम करे, तो यहाँ पर ये इस तरह की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं वैसे पहले फर्स्ट पेपर के अंदर, सेकंड पेपर के अंदर हमने बहुत सारा पढ़ा है इसके बारे में। चलिए सेक्स डक्शन क्या होता है, देखो सेक्स डक्शन में क्या होगा कि ये जो आपकी सेल है बैक्टीरिया की सेल, यहाँ पर इस तरह से दो सेल है आपके पास में, ये दो डीएनए हैं,
एक डीएनए हम ये मान लेते हैं जो जाने वाला है ट्रांसफर डीएनए। एक और सेल हम बना लेते हैं यहाँ पर, इसके अंदर कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेते हैं हम, ठीक है इस तरीके से, और ये दो डीएनए हमारे बना लेते हैं। ठीक है, एक सेल और बना लेते हैं खाली डिब्बा, इससे हमें पता चल जाएगा क्या होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से ले लीजिएगा। ठीक है भाई, तो एक कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बनाएंगे इसके साथ में हम यहाँ पर, अभी फिलहाल कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे अपन। ठीक है, लास्ट वाले में हम नहीं बनाएंगे कॉन्जुगेशन ट्यूब, यहाँ पर हम ये बिना कॉन्जुगेशन ट्यूब वाली दो सेल बना लेते हैं, जिससे हमें लास्टली पता चल जाएगा क्या हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी रहेगी इसकी सेक्स डक्शन की। अब देखो ये जो सेल है, ये सेल सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, एच एफ आर बनाना है इसको अपने को, क्या बनाना है, एच एफ आर बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोबारा से बना देता हूँ, ये हमारी हो गई एच एफ आर पॉजिटिव सेल। ठीक है, और क्योंकि इसके पास क्या है, एफ फैक्टर है, ऐसे एच एफ आर के पास क्या है, फैक्टर है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो एच एफ आर सेल है ना, इसका ये जो एफ फैक्टर है ये हट गया यहाँ से, मतलब यहाँ से ये छूट गया, अलग होकर ये बना लिया इसने, एच एफ आर से किसमें बदल गई है, एफ पॉजिटिव सेल के अंदर बदल गई। ठीक है ना, पहले कैसी थी, एच एफ आर क्योंकि इसके साथ इंटीग्रेटेड थी, अब बन गई है एफ पॉजिटिव सेल, ये हट गई। जब ये हट गई तो ये क्या होगी, रेप्लिकेट करेगी यहाँ पर अपना, ये रेप्लिकेशन करेगी, और रेप्लिकेशन करने के बाद में सॉरी यही करा देते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन क्या इसने यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका रेप्लिकेशन हो जाएगा, और रेप्लिकेशन होने के बाद में ये क्या करेगी, इस वाले पोर्शन को इसके अंदर ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगी, ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगी तो इसके पास भी ये चला जाएगा, चला जाएगा। इस तरह से एफ नेगेटिव सेल भी किस में बदल जाएगी, एफ पॉजिटिव में बदल जाएगी, एफ नेगेटिव, और अब क्या हो गई ये एफ पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, इस तरह से होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पहले तो ऑटोनोमसली रेप्लिकेट होगा, ये वाला पोर्शन जो है डीएनए का, ये रेप्लिकेट हुआ, डुप्लीकेट हुआ मतलब, और एफ फैक्टर जो है इससे अलग हो गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि ये अपने साथ में कुछ जीन को भी लेके गया है, ऐसा नहीं कि अकेला चला जाए, यहाँ पर ये अपने साथ में कुछ जीन पोर्शन को भी लेके गया है, क्योंकि यहाँ पर रेप्लिकेट हुआ तो जब ये अलग हुआ, अलग हुआ था ना ये कौन, ये जो आपका फैक्टर है कौन सा फैक्टर, एफ फैक्टर, जब ये एफ फैक्टर अलग हुआ था तो अपने साथ कुछ जीन को भी लेके गया था ये, क्योंकि जब अलग होता है तो वहीं से अलग नहीं होता जहाँ से जुड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ जीन भी इसके साथ में चले जाते हैं जो मेन क्रोमोजोम होता है उसके। ठीक है, तो एफ फैक्टर जो है यहाँ पर क्या होगा, रेप्लिकेट हुआ, ट्रांसफर हुआ किसके अंदर, एफ नेगेटिव के अंदर, तो कुछ बैक्टीरियल जीन भी यहाँ पर चले गए। ठीक है, इन बैक्टीरियल जीन ने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, ट्रांसफर जीन जो यहाँ से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं इस प्लाज्मिड के थ्रू या इस एफेक्टर के थ्रू, तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं सेक्स डक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सेक्स डक्शन, क्यों, क्योंकि ये है आपका एक सेक्स फैक्टर जो कि ट्रांसफर हो रहा है दूसरी सेल के अंदर। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है सेक्स डक्शन। ये बात समझ में आ गई। अब जो रिसिपिएंट सेल है जो एफ नेगेटिव थी, वो एक रिकॉम्बिनेंट सेल बन जाती है, कौन सी सेल बन जाती है, ये रिकॉम्बिनेंट सेल बन जाती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो है क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट सेल के अंदर, इस रिकॉम्बिनेंट सेल के अंदर बैक्टीरिया का डीएनए तो है ही सही, साथ में ये दूसरी बैक्टीरियल डीएनए का भी डीएनए, बैक्टीरियल सेल का भी डीएनए यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये एक एफ फैक्टर भी यहाँ पर आ गया, तो ये भी एफ पॉजिटिव सेल हो जाएगी, लेकिन ये रहेगी हमेशा कैसी, हैप्लोइड। ठीक है, कैसी रहेगी ये, हैप्लोइड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो पार्ट की। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लास्ट पार्ट की, जिसका नाम है ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।